नमस्कार, लॉन्ग व्यू पब्लिक स्कूल नैनीताल की ओर से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही है। देवनागरी सबकी है यह प्यारी, मातृभाषा हिंदी हमारी। आदर और सम्मान से भरी भाषा है, अपनेपन के एहसास से भरी। हिंदी रिश्तों का पाठ है पढ़ाती, मामा चाचा मौसी बुआ में अंतर समझाती। स्वर व्यंजन से बनती वर्णमाला, पढ़ने वाला बन जाता ज्ञाता। अ से आगे बढ़ने से शुरू है होती, ज्ञ से ज्ञान की ज्योत जगाती। दुनिया ने इसका लोहा है माना, इसके संस्कारों में खुद को बांधा। भारत की शान है हिंदी, भारतीयों की पहचान है हिंदी। हिंद के हैं नागरिक हम, हिंदी है मातृभाषा हमारी। धन्यवाद। भारत में पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार व प्रसार बढ़ाकर उसका विकास करना है। हिंदी विश्व की प्राचीन समृद्ध तथा महान भाषा होने के साथ भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधती है। इस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा हिंदी संबंधित क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले लोगों और संस्थाओं को सम्मानित किया जाता है। इस दिन सरकारी विभागों, स्कूल, कॉलेजों आदि में हिंदी भाषा से संबंधित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हम सभी को अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। हिंदी से हिंदुस्तान है, तभी तो हिंदी हमारी शान है। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं सभी छात्रों, आज मैं मानस सिंह पछाई, कक्षा 9 का छात्र, आप सभी के समक्ष हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी एक भाषा ही नहीं बल्कि एक विराट सांस्कृतिक चेतना का नाम है, जिसमें अनगिनत जातियाँ, वर्ग, समुदाय, संस्कार पथ और यहाँ तक कि पूरा जीवन दर्शन ही बहुविध रूपकारों में समाहित है। दर्प और आग्रहों से कोसों दूर, इस उदार भाषा में भाव है, नेह है, एक दूसरे को समझने बूझने या उसमें समा जाने या फिर उसे गले लगा लेने की अपरिमित शक्ति भी है। हिंदी हिंदुस्तान को बांधता है। कभी गांधी जी ने इसे जनमानस की भाषा कहा है, तो इसी हिंदी की खड़ी बोली को अमीर खुसरो ने अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करने का माध्यम भी बनाया है। भारतीय संविधान के आधार पर अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। हमारी मातृभाषा हिंदी और देश के प्रति सम्मान दिखाने के लिए हिंदी दिवस का प्रतिवर्ष 14 सितंबर को आयोजन किया जाता है। हिंदी दिवस पूरे भारत में उत्साह और गर्व के साथ मनाया जाता है। शिक्षण संस्थानों से लेकर सरकारी दफ्तरों तक सभी हमारी राजभाषा को सम्मान देते हैं। हिंदी विद्वानों द्वारा अपनी महान साहित्यिक कृतियों में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है। हिंदी सबसे आदिम भाषाओं में से एक रही है, जो मूल रूप से संस्कृत भाषा से संबंधित है। अतीत से हिंदी एक भाषा के रूप में विकसित होकर हमारी राजभाषा बन गई है। हिंदी दिवस के उपलक्ष में भारत के विभिन्न स्कूलों तथा कॉलेजों में हिंदी साहित्यिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें छात्र बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। छात्र हिंदी में कविताएं, निबंध, कहानियां पढ़कर हिंदी भाषा को गौरवान्वित करते हैं। हमारे लिए यह बहुत सम्मान की बात है कि हिंदी राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों मंचों में लोकप्रियता हासिल कर रहा है। आज के आधुनिक समय में लोग पश्चिम सभ्यता से काफ़ी प्रभावित हुए हैं। हिंदी भाषा का महत्व समाप्त होता जा रहा है। हिंदी दिवस लोगों को उनकी जड़ों से बनाए रखता है और उनकी मूल संस्कृति को याद दिलाता है। हमें ऐसे भारतीय बनने हैं जो भारतीय संस्कृति को बनाए रखें और उसमें गर्व महसूस करें, क्योंकि भारत की संस्कृति ही भारत की पहचान है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है, हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण, हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा गान है, हिंदी हमारी आत्मा है, भावना का साज है, हिंदी हमारे देश की हर तोतली आवाज है, हिंदी हमारी अस्मिता, हिंदी हमारा मान है, हिंदी निराला प्रेमचंद की लेखनी का गान है, हिंदी में बच्चनपन
मधुर संगीत है। हिंदी में तुलसी सूद मीरा चासी की तान है। जब तक गगन में चांद सूरज की लगी बिंदी रहे, तब तक वतन की राष्ट्रभाषा ये अमर हिंदी रहे। हिंदी हमारा शब्द स्वर व्यंजन अमित पहचान है। हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है।